तो हमारे फिर से बोलो क्या बोले तुम अभी? हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा अलग, एकदम डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसा ब्लॉग कभी किया नहीं है। यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है, सो एंड तक बने रहिए, इस ब्लॉग का एंड तक ज़रूर देखना। आज हम एक रील का शूट करने जा रहे हैं और ये रील ऐसा है जो मैंने सीरियसली आज तक नहीं किया, कुछ अलग और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम घर पे नहीं, हम आउटडोर जाके रास्ते पर जाकर शूट करने वाले हैं, सो एंड तक ज़रूर देखना। मिलते हैं आगे, चलो देखते हैं हम दीदी क्या कर रही है। दीदी देखो क्या कर। A few moments later, हो गया तुम्हारा पूजा? हो गया। अरे और भी कर रही है, भगवान से कितना मांगोगी? पूजा सिर्फ मार्केटिंग नहीं की जाती है, थैंक यू बोलने के लिए पूजा करती हूँ मैं। अरे की तरह मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये लोग देखो एक बने हैं मजनू। वो देखो एक मैडम पता नहीं, हम मॉडलिंग के लिए नहीं जा रहे हैं बाबा। तुम कितना तैयार होते हो, कर क्या रहे हो तुम? अरे लड़की, अरे बाप। सो जैसे कि मैंने बताया कि आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा डिफरेंट, बिकॉज ये ऐसा कंटेंट है। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बहुत मजा आने वाला है शूट करने के लिए। आई जस्ट होप कि हमारा एक घंटे में शूट हो जाए, बिकॉज ऑलमोस्ट 5 बज गए और 6 बजे तक तो धूप चला जाएगा, सनसेट हो जाएगी। अरे मैं तुम जीरो लग रहे हो, वो हीरो लग रहा है, मैं तो हूँ ही हीरोइन। मजा आया। तुम्हारा नाम क्या है? बचवा। मैं तो ऐसे ही जाऊंगा, 15-20 लड़की ऐसे ही घेरना है। क्या? हाँ 15-20 लड़की ऐसे ही घेरना है। अरे चल झूठा। वो किसको घेराना है शुभम? अरे कोई गिर जाए तो सिंगल लाइन। ओहो तब तो आप देखो, आप बोलो, आप बोलो, बोलो। माँ कसम बता रहा हूँ, एम्बुलेंस बोलो। क्यों 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 होता है क्या? वैसे लग रहे हो चश्मा लगा है क्या? तो हमारे सो गाइस, ये मेरा सबसे फेवरेट रोड है, यहाँ पे मुझे घूमना बहुत ज्यादा पसंद है। सो आप लोगों ने इससे पहले वो ब्लॉग में भी देखा होगा कि मैं यहाँ पे आती रहती हूँ आराम से। सो गाइस, हम पहुंच गए लोकेशन पे और ये लोग देखो रोड के साइड पे क्या कर रहे थे। बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पे, हवाओं ने धूप जाए ना, क्योंकि सिर्फ आधा घंटा रह गया शूट करने। और पता है हमको एक्सीडेंट के लिए गाड़ी चाहिए था और भगवान के लिए देखो गाड़ी रुकी है, तो देखते हैं उनसे बात करते हैं, रिक्शा वाले को बोलते पूछेंगे अगर कितना रुपए लोग अगर बोलेंगे तो ज्यादा पैसे लेंगे। मैं तो क्लियर बोल देगा 150 रुपया देगा। तो गाइस ये लोग पूछ रहे हैं ऑटो वाले भैया को, करोगे भाई शूट? देखो हमको कौन मिले। और ये बावली भाग रही, ये लोग प्यार कर रहे हैं और वो खड़ा है देखो, और एक्टिंग को दिखाता बोल रहे मेरे बच्चे को तुम प्यार कर रहे हो। अरे फिर से बोलो क्या बोले तुम अभी? I love you. दे दिया धोखा, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोल दिया अभी। वो बोल रहा है कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
डन हो गया। यार सब कैसे देख रहे हैं यार? डन 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 चल। शादी को लास्ट का बीच का हो गया। और मैं टेम्पो में लास्ट का नहीं पड़ी। मैं टेम्पो में बैठा था, मैं ऐसे 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 हो रहा था। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला? मैं तुम्हें कभी नहीं सुना था। हाय करो, आपका ही ब्लॉग है। इसे हाय करो, इसे ना करो, इसकी अभी इधर इधर ही कर रहे हो। अभी गिनने वाले तो फाइनली हमने सेव, सॉरी नंबर नहीं दिखाना है, नाम सेव कर लिया है। चलो मेरे जिंदगी का नंबर नहीं दिख रहा ना। अरे कॉल पे नहीं उठा के रखो। हाँ बस ऐसा मैं बात कर रही हूँ। अरे तो ब्लूटूथ पे कनेक्ट हो रहा है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ। किस लिए? अभी एक्सीडेंट होने वाला है। खून बना रहे हो? हाँ खून। डरने लगता दीदी तुमको खून से? लगता है, आप सबके प्यार के लिए करना पड़ता। किसको क्या 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 क्या? बस कंडक्टर है या बस ड्राइवर? सात खून माफ है। तुम जब सात खून माफ है? हाँ अरे रखता है सात खून माफ। मैंने उसको बोल दिया सात खून कर ले। गाइस ये देखो नाक के अंदर नहीं जाती। पास तो खून हमें कितना डेंजर लग रहा है। मोहब्बत का दर्द तुम क्या जानो पूजा जी? कुछ नहीं, ये मोहब्बत का दर्द बड़ा जान लेवा होता है पूजा जी। यार मैं इधर रुका दूँगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसे सोफे सोई हो ना फुल स्लो में। आँख में आंसू आते हुए दिखाना है ना। चलो बस पीछे ध्यान हो रहे हैं, मेरे को डर लग रहा है। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बुलडोजर आ रहा है। बस चलो चलो जल्दी निकलो ना। बस पकड़ो कि पुलिस आ जाएगी जल्दी। अरे दो ना। अरे बस वीडियो वीडियो बना रहे। ओ भाई साहब वीडियो शूट चल रहा है। तू ले लेना वो। यार 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 शूटिंग चालू है। सो गाइस आप लोग तो देख ही रहे थे कि पब्लिक कैसे घोड़ा हो रहे थे और ये इनका खून पहुंच रहे। और दो लोग तो भाग गए। किसी को लगा यहाँ पे मर्डर हो गया तो वो भाग गए। दो लोग तो भाग गए, मतलब कुछ लोग भाग गए। सो कंटिन्यू करते हैं। सो फाइनली हम घर अरे कहना क्या चाहते हो? फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। आज बहुत ज्यादा मजा आया। जैसे कि मैंने बोला था आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है, इससे पहले हमने कभी ये ट्राई नहीं किया है। तो लोगों का रिएक्शन देखकर तो बहुत ही ज्यादा मजा आया, अनएक्सपेक्टेड था। एक चीज बताओ आप लोगों को, क्या अभी अगर तुम्हारे मुंह धोगे 1.5 किलो मेकअप निकलेगा? नहीं धूल निकलेगा। हाँ धूल बहुत गंदा, क्योंकि इतनी हवा तेज चल रही थी वहां पे, मेरे आंखों में से आंसू आ रहा था, डस्ट पूरा हो गया चेहरे पे। बट क्या करें, आप लोगों के लिए ये करना पड़ता है। और वीडियो शूट कर रहा था, मेरे को सबको बताना पड़ रहा था कि वो शूटिंग चल रही है। एक्चुअली क्या हुआ था कि बीच में लोग आके पूछ रहे हैं क्या हो गया, इतना खून कैसे, मुझे मैं हटाना पड़ा। कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। एक तो फोर व्हीलर वाला बोल रहा था कुछ हुआ है, जरूरत है हमारी, हम लेके जाए हॉस्पिटल। मतलब इतना लोग हेल्पफुल है, लोग आगे आते हैं मदद करने के लिए। बहुत अच्छा लगा देखकर। और कुछ लोग ऐसे थे जो डर के भाग रहे थे, खून निकल बोला था इधर आओ इधर आओ। कुछ लोग आके बताओ कहानी, बताओ कहानी बता दो। तो गाइस मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हमारी जिम्मेदारी आपके लिए वीडियो बना रहे, तो आपकी जिम्मेदारी वैसे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और दीदी के चैनल को
सब्सक्राइब करना। और एक मेन बात बतानी है कि इस तरह का आप जब भी क्या बोलते हो शूट करते हम करेंगे तो हम आपको BTS दिखाएंगे क्योंकि आपने लास्ट BTS में काफी। अरे कहना क्या चाहते हो, मैं कुछ और बोलना चाह रही थी। मैं ये कह रही थी कि जब भी आप इस तरह का कुछ भी करते हो तो सेफ्टी और क्या कहते हैं सिक्योरिटी के साथ करना, बिकॉज ये हार्म कर सकता है कहीं ना कहीं। बिकॉज मुझे खुद को बहुत डर लग रहा था जब मैं ये शूट कर रही थी, गाड़ी कैसे भी पास होती है। पहली बार सोनी कार की नर्वस हुई थी, और पहली बार कभी कभी हो जाती है, बट बहुत ज्यादा नर्वस, ज्यादा डर भी लग रहा था क्योंकि पीछे से गाड़ियां आ रही थी। हमारे पास तो टीम थी, हमारे लोग थे जो हमारी सेफ्टी के लिए थे। कभी भी शूट करोगे तो हमेशा सेफ्टी देखना पहले, और फिर इस तरह का कोई भी शूट करना। इसने अभी तक तो बाय बाय रखो बाय बाय रखो कौन रखो बाय बाय टाटा गुड बाय गया।